अरे आके देखो ने मेरे भगवत श्रोताओ, बहुत समय निकल गया और बाई दिना रात में लला भी मैंने क्या देखा, अंधेरा सा होने के लिए आया। एक भिखारिन मैया पांच पुत्रों के साथ बढ़ी आगे, अरे बेटा पांच लग संगाते और आई गई दुखिया जोड़ी की भीमसेन से मैया ने गिराय चारी रे। अरे मोको भवन बसाए लीजे सोई कट जाए रात हमारी रे। ऐसा हुआ अंधेरी रात थी, एक दुखियारी पांच पुत्रों के साथ आई लांछा गृह पे। भीम से कहा लला रात काट के चली जाऊंगी मैं यहां से। तो भीम सेन को दया आ गई, बता दिया मैया ठीक है भवन में बहुत जगह है चैंता सो जाइए। और भीमसेन पहरेदारी कर रहा है, पांच भिखारी अपनी मैया के साथ लांछा गृह पर आकर के ठहर गए। भीम ने कह दिया ठीक है मैया रात काट के निकल जाइए। त्रियोधन रोजाना की तरह जब बढ़ा आगे, हाथ में मशाल लगी हुई थी लांछा गृह में आग लगाने के लिए आया, तो भीम पहरेदारी पे जागता हुआ मिला। अरे तब भीम ने अटल बनाई और अपने करसी आग लगाई। बोलिए गोविंद भगवान के। मेरे भगवत श्रोताओ, दुर्योधन इधर मशाल लेकर के जब पहुंचा, भीम ने जान ली जब तक आग नहीं देगो तो अच्छे न पड़ेगो ना। सो भीम ने अपने हाथ से आग देखे, बन्या सोई नहीं रहते चारों भैया बराबर में जाके लेटे आग देखे भवन में। अरे भीम पाए पसार के सोयो, और मामा जी मोटे आदमी को नींद पहले तो आतना है और आ जाए तो गर्राटे बहुत ऊंची आवाज में निकलता है, हमारा चीकू बात तो डट जाएगा रात में। जो बहुत ना है जगत भीम को आग देखे
जान लाई भैयन के संग मन्नो है भैयन के संग जीनो है सो बराबर में आए गए सो गया है जो चारों तरफ से आग ने लपेटा लव भवन को लांछा गृह में जो चारों तरफ से आग भपरानी सबसे पहले कुंती मैया की आंख खुली आग भवन में चारों तरफ से लपटे मार रही है कलेजा फटी है मैया का अब विचार कर रही है करूं तो करूंगा मेरे तो पांचों सोए रहे सबसे पहले दुष्टर को जगाया मैया ने अरे दुखी भो मैया को ही और अपना जे ढोला मात ने तुरंत जगाई लियो ऐसा हुआ अपने बड़े बेटा को जगाया और बोली अरे लला मेरे बाबर फट जाएंगे अरे लला मेरे बाबर फट जाएंगे और करम सिर छाई ललाइया सबरे जर जाके लाला आज कोई नहीं बचेगा ये कहा कोई जिंदा नहीं रहेगा अब बेटा प्राण कैसे बचेंगे दुष्टर ने जब अग्नि को जलता हुआ देखा कलेजा कांप गया विचार किया मेरी मैया नहीं बचेगी मेरे भैया नहीं बचेंगे हे ईश्वर हमने कौन सा कर्म किया था ताकि ये वक्त आ गया मौत होगी वो भी जल के जिंदा जलेंगे कष्ट कौन सहन करेगा अरे नैन में आंसू भर आए अरे लला के आंसू भर आए और भैया नो रहो जगाई जगाई की छाती चपकाए वक्त आ गया आंखों से अस्त्र धारा बह गई एक एक करके भाइयों को जगाने लगे अर्जुन को जगाया नकुल सहदेव को जगाया भीम को जगाया वो तो गर्राटे ले रो बाकी आंख नहीं खुली आपस में जेठ भली भाइयों ने अग्नि को जिस समय गहराते हुए देखा सिर पे समझ गए द्वार की ओर बढ़े सबसे ज्यादा आग तो द्वार पे ही जल रही थी विचार आया अब कहां जाएंगे अरे हिलकी अलकी मैया रोई कैसो गाओ समैया आई और अब अग्नि बिकराल जली है कैसी बेटन सकू बचाई
एक एक करके सबको जगाया। भीम को आवाज नहीं, बाकी नींद नहीं टूटी। बहुत दिन हो गए थे भीम को जागते जागते। युधिष्ठिर ने कहा सहदेव से, भैया चलते वक्त चाचा श्री ने कहा था कि जंगल में जब आग लगती है तो वो जीव बच जाते हैं जो बिल के अंदर घुस जाते हैं। भैया मुझे प्रतीत होता है कि इसमें गुप्त मार्ग भी है। वो गुप्त मार्ग है कहां ये तुम पता लगा, उसका द्वार कहां है। सहदेव ने ज्योतिष विद्या से गणित लगाया। आंगन के बीच में खम्मा खड़ा था, बता दिया इस खम्मा के नीचे गुफा का द्वार है, जो गुफा हमें जंगल की ओर ले जाएगी। जब गुफा के बारे में पता लग गया, चारों भैया लिपट गए खम्मा से, हटाए देख ले, बल लगाए लगाए कि थक गए, लेकिन वो खम्मा हिला नहीं। तब कुंती ने रात में भीम को जगाया है, जो कि अब कब तक सोवेगो, आग लग गई भवन में। आग को देख करके भीम के होश उड़ गए, सोचा भी नहीं था कि इतनी तेज आग लगेगी। कुंती ने कही लला जा में गुप्त द्वार है, जा खम्मा के नीचे है, जा खम्मा को हटा। भीम ने नींद में रह खम्मा की जेट भरी, उठाने की कोशिश करी, तरीकों ना हिलो। तब कई कुंती ने भीम तू मुझे बन के दिखा रहो है, देख आज तो तेरे शरीर के ऊपर जवानी है, आज कितना बल है वो संसार जानता है, और मैं तो बहुत दिना पहले से जानती हूं लला, मैंने गोद में खिला ला तू, जन्म दिया है मैंने, मैं जननी हूं तेरी, तू मैं बन के दिखा रहा है। बोली लाला मुझे आज भी वो दिन याद है जब हम वनवासी थे, तू मेरी गोद में था, तुम्हें पर्वत के ऊपर खड़ी थी, अरे जंगल के बीच आई तारा सिंह ने मारी रे, कहने लगी मां जब तू मेरी गोद में था शेर ने दहाड़ मारी मेरी ओर, इस समय शेर झपटा